हेलो वंदे मातरम टू ऑल माय डियर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स वेलकम यू वंस अगेन लर्न ग्रामर इज़ीली विद पंकज सर ऑन माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टार्ट आवर ट्वेल्थ इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर फोर रीड वन द एडजस्टमेंट प्रिटास दिया यहाँ पे यू हैव यूर ग्रैंड पेरेंट्स एल्डरली रिलेटिव फिल इन द डिटेल्स इन द फॉलोइंग आप ग्रैंडफादर या जो भी उसमें आप क्या लाइक करते हो क्या डिसलाइक करते हो मेल हो फीमेल हो उसमें आप क्या लाइक करते हो डिसलाइक करते हो राइट ये सब बॉक्स में लिखना है चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं रीड नंबर वन एडजस्टमेंट रिटर्न बाय गुलजार गुलजार लेखक का नाम है जिनके द्वारा बहुत सारे हमारे बॉलीवुड में भी गीते लिखे जाते हैं सॉन्ग्स लिखे जाते हैं एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि भाई एडजस्ट मतलब व्यवस्थापन करना नहीं समझौता करना समायोजन करना थोड़ा बहुत जाने देना मतलब चला लेना एडजस्टमेंट उसे कहा जाता है द एडजस्टमेंट तो वो एडजस्टमेंट कहाँ किया है इस यूनिट में हमारे वास्तविक हमारे जीवन में किया गया है कि किस प्रकार हमें हमारे जीवन में हर छोटी छुड़ छोटी बातों में हर कहीं कहीं पे हमें एडजस्टमेंट करना होता है समझौता कर लेना होता है थोड़ा बहुत चला लेना पड़ता है ऐसा कहा जाए अगर ओके तो ऐसा ही कुछ यूनिट में दिया हुआ है कि एक नाना और नानी का यूनिट है जिसमें काफ़ी साल शादी के होने के बाद काफ़ी साल बिताने के बाद वो कैसे अपने साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हो पूरे हमेशा ज़िंदगी भर अपने एक दूसरे के साथ वो ओके सो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम वी विल स्टार्ट अब हम थोड़ा जूम करके देखते हैं ओके okay. देखो क्या लिखा है इट वॉज़ मिस्टेक नॉट टू टेक नाना नाना मतलब कौन आवर ग्रैंड फादर हमारे दादा हमारे दादा अगर इंग्लिस में कहा जाए तो इंग्लिस वालों को कुछ नहीं ग्रैंड फादर मतलब कोई भी आता इसलिए पहले स्पष्ट बता दिया नाना नाना मतलब क्या कि अपने अपने मम्मी के पिताजी राइट right? अपनी जो मम्मी है माँ माँ के पिता तो इट वॉज मिस्टेक नॉट टू टेक नाना आवर ग्रैंड फादर नाना हमारे जो नाना है टू द फ्यूनरल फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम यात्रा अंतिम यात्रा जो होती है वो ऑफ ऑफ आवर ग्रैंड मदर आवर नानी हमारे जो नानी के अंतिम यात्रा में हमारे नाना को हम नहीं ले गए हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी ये हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी सो फ्रेंड्स देखो शुरुआत में कुछ कहा इसका असर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि अगर ले गए होते तो आगे जो घटना घटती थी वो घटना नहीं हुई होती तो यहाँ पे गुलजार जी कहना चाहते कि इट वॉज़ अ मिस्टेक नॉट टू टेक नाना और ग्रैंड फादर टू द फ्यूनरल ऑफ़ अवर ग्रैंड मदर आवर नानी कि हमसे बहुत बड़ी गलती होगी कि हमने हमारे नाना को नानी की अंतिम यात्रा में नहीं ले गए अब कैसे नहीं लेके क्या हुआ था यहाँ पे देखो क्या लिखा है गो टेक हर अवे जाओ उसे ले जाओ भाई यहाँ से उठाओ उसको ले जाओ ये नाना ने कहा भाई आप याद रखना राइट नाना ने कहा गो एंड टेक हर अवे जाओ और उसे ले जाओ उठाओ यहाँ से उठाओ जल्दी ले जाओ यहाँ से एंड विस्पर इन टू हर ईयर फिर उसी जो नानी जो वहाँ पे आ, अर्थी पे पड़ी थी घर में मरी हुई पड़ी थी और सबके सामने नाना बोलते कि गो एंड टेक हर अवे जाओ और उसे ले जाओ भाई क्यों रखे हो यहाँ पे सुला क्यों क्यों रखे हो ले जाओ इसको फिर बाद में नानी के कान में क्या कहते विस्पर मतलब स्पीक सॉफ्टली धीरे से बोलते उनके कान में दैट आई टू I'm ऑन द वे मैं भी रास्ते में ही हूँ तुम जहाँ चली गई ना मैं भी रास्ते में हूँ नॉट फार बिहाइंड ज़्यादा दूर नहीं हूँ तुमसे फिर बाद में खड़े होकर बोलते हैं टेल हर दैट आई विल सी हर इन द beyond। इसे कह दो कि मैं उसे अब परलोक में ही मिलूँगा मैं उसे वो जहाँ गई जिस दुनिया में गई है उस दुनिया में ही मैं उसे मिलूँगा ले जाओ इसे उठाओ उठाओ फिर बाद में उनके कान में भी बोल देते धीरे से नाने की जो डेड बॉडी पड़ी है नाना उनके कान में भी बोल बोल देते हैं कि क्या कि मैं भी आ रहा हूँ भाई तुम गए हो ना जिस जिस दुनिया में तुम गए ना मैं भी तुम्हारे पीछे ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं तुम्हें ज़रूर वहाँ फिर खड़े होकर क्या बोलते है? ले जाओ इसे ले जाओ मैं इसे परलोक में जहाँ गई जिस दुनिया में गई वहाँ मैं मिल लूँगा फ्रेंड्स बहुत इमोशनल टच हो जाए दिल को छू जाए इस प्रकार का ये यूनिट ध्यान से समझना और देखना फिर क्या कहा है देखो आगे क्या क्या कहा है लेखक ने विथ हैवी हार्ट्स काफ़ी भारी हृदय से वी होस्टेड नानीज बियर बियर मतलब अर्थी होस्टेड मतलब उठाना कि काफ़ी ऐसी दिल में हिम्मत रखे काफ़ी इमोशन से भरे हो के हमने नानी की जो बियर थी नानी की जो अर्थी थी ओवर अवर शोल्डर हमारे कंधे पर हमने काफ़ी ऐसे मन में दुख भरे हुए काफ़ी इमोशन भरे हुए स्थिति में हमने नानी की अर्थी को हमारे कंधे पर उठाया आई टर्न टू लुक जस्ट वंस मैंने थोड़ा सा पलट कर पीछे देखा एक ही बार आई टर्न टू लुक जस्ट वंस एंड फाउंड और देखा मैंने नाना स्टेपिंग अवे फ्रॉम द बालकनी इन टू द रूम मैंने पीछे मुड़ कर देखा कि नाना अपने बालकनी में खड़े होके सीधा अपने रूम में स्टेपिंग अवे मतलब चले जाना इन टू द रूम अपने रूम में चले गए पुलिंग द डोर पुलिंग द डोर शर्ट आफ्टर हीम और अपने पीछे पीछे दरवाजे को भी बंद करते गए खींचते हुए चले गए मैंने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा तो नाना बालकनी में खड़े थे वहीं से सीधा अपने रूम में चले गए और अपने पीछे पीछे अपना दरवाज़ा भी बंद कर लिया उन्होंने फ्रेंड्स जिनके साथ हम इतने साल बिताते उनका अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो एक बहुत बड़का एक बहुत बड़ा दुख महसूस होता है है तो इसी प्रकार ये आगे क्या कहा है लेखक ने कि हैड लिव मतलब नाना हैड लिव विथ नानी फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी कि नाना ये नानी के साथ लगभग सेंचुरी मतलब शतक हाफ मतलब आधे आधी सेंचुरी के मतलब लगभग पचास साल से भी अधिक पचास साल से अधिक जिंदगी जीवन साल वो नानी के साथ बीता चुके थे शादी के बाद पचास साल से अधिक जीवन वो उनके साथ जी चुके थे हैड लिव जी चुके थे एंड सीन हर रेडियंट फेस एवरी डे ऑफ दोज डेज और उन दिनों उस नानी के चेहरे की चमक वो देखा करते थे ग्लोविंग रेडियंट मतलब ग्लोविंग चमकता हुआ चेहरा नानी का हर दिन वो देखा करते थे एक जो शादीशुदा जो हस्बैंड एंड वाइफ होते उनका काफ़ी अटूट प्रेम यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स राइट right? जो पचास से अधिक साल गुजार चुके शादी के बाद नहीं तो इन दिनों क्या होता है कि भाई फॉर्म फॉर्म में शादी तो कर लेते लेकिन कुछ दिन बाद कुछ साल बाद बोलते कि मुझे नहीं रहना इसके साथ जाओ तुम्हें जहाँ जाना मुझे नहीं इस आदमी से मैं कंटाल चुकी हूँ इस आ, इस औरत से मैं कंटाल चुका हूँ राइट इस प्रकार की बातें हम सुनते हुए हमें नज़र आती है और काफ़ी सारे के केसेस आप देखे होंगे कोर्ट्स में तो पचास से अधिक साल वो एक दूसरे से साथ रह बिता चुके थे फिर देखो अगला पैराग्राफ में क्या लिखा है ही मस्ट हैव बीन वॉट अबाउट एटी फाइव वो लगभग होंगे एटी फाइव ईयर्स ओल्ड हमारे जो नाना थे वो लगभग पिचासी साल एटी फाइव साल के थे एंड येट और अभी भी ही वुल फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरी थिंग नानी डिड और अभी भी जो भी कुछ नानी करती थी एवरीथिंग नानी डिड जो भी नानी करती थी हर बात में वो मिस्टेक निकाला करते थे हर बात पे छोटी छोटी बात पे झगड़ा किया करते थे मतलब हर बात पे उनका तो तू, -तू मैं-मैं -मे हुआ ही करता था फ्रेंड्स देखो ये कहाँ है भले तो मैं ये करे झगड़ा करे लेकिन एक दूसरे के साथ रहना है एक दूसरे के साथ खाना है पीना है सोना है रोना है धोना है लेकिन एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं है राइट तो क्या कहा विल फाइंड ट अभी भी वुल फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरी थिंग नानी डिट जो भी नानी करती थे हर एक में वो कोई ना कोई मिस्टेक कोई ना कोई गलती कोई ना कोई, कोई, कोई कमियाँ हर बात में वो झगड़ा ही करते थे अभी भी ही विल्ड कीव क्विबलिंग विथ हर वो हमेशा उनसे झगड़ा ही करते थे आर्गूमेंट किया करते थे क्विबलिंग मतलब आर्गूमेंट आर्गुइंग हमेशा दलीलबाजी ही करता करते थे आर्गूमेंट ही किया करते थे एजिब जैसे कहते कोई ग्रामर का टॉपिक है फ्रेंड्स एजिब मतलब सपोजिशन वाला एजिब दे वर जैसे कि वे टू पीपल हु हैड जस्ट मैरिड इन द फर्स्ट फर्स्ट फ्लस ऑफ लव कि ऐसे झगड़ते जैसे जैसे अभी एक ही नज़र में उनका प्यार हुआ और वो शादी करके आए राइट हु हैड जस्ट मैरिड इन द फर्स्ट फर्स्ट फ्लस ऑफ लव पहले प्यार की नज़र से उनकी शादी हुई ऐसे वो झगड़ते ऐसे आर्गूमेंट करते कि जैसे कि पहली नज़र में उनकी शादी हुई एंड वर्ल स्टिल एंड वर्ल स्टिल डिस्कवरिंग ईच अदर और अभी भी एक दूसरे को वो डिस्कवरिंग कर रहे डिस्कवर मतलब खोज कर रहे ऐसा लगता है कि भाई लगभग पचास साल से अधिक आप एक शादी शादी के, के, के बाद आपने बिता लिए फिर भी अभी भी आप अब एक दूसरे को समझ नहीं पाए और ऐसे आर्गूमेंट करते जैसे अभी एक ही नज़र में प्रेम हुआ किसी से और शादी कर ली उस प्रकार वो झगड़ते हैं एंड वर स्टिल डिस्कवरिंग ईच अदर और अभी भी एक दूसरे को खोज ही रहे हो परख ही रहे हो एक दूसरे को समझ ही रहे हो एट टाइम्स और उस समय बहुत बार तो क्या होता था अब पेटी कॉलर अ पेटी कॉरल पेटर पेटी मतलब छोटा कॉरल मतलब कारण झगड़ने का अब पेटी कॉरल उल पुजेम इंटू अ लॉन्ग साइलेंस कभी कभी क्या होता था एक छोटी सा छोटा सा झगड़ा भी उनको काफ़ी लंबे समय तक तो चुप करा दिया चुप किया कर देता था चुप किया कर देता मतलब वो एक दूसरे से बोलते नहीं थे चुप रहते थे बोलते ही नहीं थे एक दूसरे की तरफ राइट जो भी मिलता था खाना मिला आप देखे होंगे आपके पेरेंट्स भी घर में अगर झगड़ा हुआ थोड़ी सी बात पे तो मुंह फुला के बैठ जाते दोनों के दोनों मम्मी भी पापा भी कुछ बोलते नहीं हमें बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है बच्चे बीच में इंटरफेयर करते पापा मम्मी ऐसी बोल रही है मम्मी पापा ऐसे बोल रहे हैं तो हमें एक दूसरे के साथ वो बोले नहीं काफ़ी छोटी छोटी बात में भी दे विल स्टॉप टॉकिंग ईच अदर फोर डेज टुगेदर काफ़ी दिन तक तो वो एक दूसरे से बोलना बंद कर देते थे बोलते नहीं थे जो भी मिलता था खाना उठा के खा लिया ना तो नहीं खा के सो दिया राइट वेन वी वुल ट्राई टू इंटर वन वेन वी विल ट्राई टू इंटर जब हमें लगता था कि इनमें इंटरफियर करें दखल अंदाजी करे ऑल नाना उल्ड क्विफ नाना हमेशा इस बात पर आर्गूमेंट किया करते थे क्या बोला करते थे कि इट हैपन सन इट हैपन्स होता है बेटा ऐसा होता है तेरी भी शादी होगी तुझे भी पता चलेगा इट्स हैपन फ्रेंड सन बेटा ऐसा होता, होता है ऐसा होता है इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर एक दूसरे को समझने का एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है ना अरे भाई कितना टाइम आप शादी बिता के पचास साल से अधिक आप साल जीत चुके हो एक साल फिर भी आप बोल रहे हो एडजस्ट होने में समय लगता है कितना समय चाहिए और आपको तो ऐसे नाना अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जवाब दिया करते थे फिर देखो क्या कहा क्या आगे कहा इट वॉज़ फन लिसनिंग टू हिम टॉक उनकी ये बातें सुनकर बहुत बड़ा मज़ा आया करता था मज़ा आया करता था जैसे बच्चे बोल रहे हैं मदर उल्ड ऑलवेज अस, माँ हमेशा हमको डाटा करती थी रिप्री uh, मतलब स्कॉल्ड माँ हमेशा मतलब हमारी माँ उन बच्चों की माँ राइट right? मतलब नाना की बेटी नानी की बेटी राइट मदर उल्ड ऑलवेज अस माँ हमेशा डाटा करती थी और बोला करती थी कि यू यू पीपल प्रोक हिम तुम तुम ही लोग क्या करते हो नाना को चढ़ाते हो चने के पेड़ पे चढ़ाते हो तुम लोग राइट एंड माय मदर हैज़ टू बियर द ब्रंड बियर द ब्रंड मतलब सहना इसका कोई अलग मीनिंग नहीं होता भाई तीन शब्दों का अलग मीनिंग आप देखोगे तो नहीं एंड माय मदर हैज़ टू बियर टू बियर द ब्रंड और मेरी माँ को सब सहना पड़ता है हर मदर उनकी माँ मीन्स हर मदर मीन्स और नानी उनकी माँ मतलब हमारी कौन हमारी नानी हुई ना राइट right? माँ की माँ मतलब हमारे नानी एंड नानी वुल हु हुआ हुज आउट मतलब कोई शब्द नहीं है हुट मतलब स्पीक आउट सिंपल अगर देखे एंड नानी वुल्ड स्पीक आउट अ फ्यू वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम हर ट्रूथलेस माउथ और नानी उनके बिना दाँतों के मुंह में से बोला करती थी कि ब्री गैटफुल दैट आई हैव आई गैव यू टू ग्रैंड सन की आभार मानो उपकार मानो बी ग्रैटफुल दैट आई गैव यू टू ग्रैंड सन ऐसे मतलब हक लाते उनके आवाज़ में एटी फाइव ईयर के वो थे नाना तो लगभग ये सेवेंटी फाइव के तो होंगे सेवेंटी के तो होंगे दस साल पंद्रह साल कम के तो होंगे राइट बी ग्रैटफुल दैट आई गैव यू टू ग्रैंड सन के आभार मानो कि मैंने तुम्हें दो पोते दिए हैं ना फॉर द लव ऑफ गॉड अब भगवान के खातिर फिल्मों में देखा होगा तुमने बोलता होगा भाई भगवान की खातिर चुप हो जा इस प्रकार ना फॉर द लव ऑफ गॉड केवल अपना मुंह बंद करो. Right, friends? अब देखो आगे क्या हुआ. अगला देखना. माई ब्रदर एंड आई वर एट अ वेरी यंग इम्प्रेसनेबल एज मेरा भाई और मैं मतलब हम हमारी माँ के दो बेटे थे माई ब्रदर एंड आई वर एट वेरी यंग इम्प्रेसिबल एज हम काफी यंग थे काफ़ी छोटे थे इम्प्रेसिबल अति संवेदनशील असंवेदनशील की हमारी उम्र थी मतलब कोई भी बात हमारे मन पे लग जाती थी इतना हम इम्प्रेशन नहीं गिरा सकते थे किसी दूसरे पर इतनी कम हमारी उम्र थी आई माई ब्रदर एंड आई वर एट अ वेरी यंग एज इम्प्रेसिबल एज वेन आवर फादर जब हमारे फादर ने हैड मैरिड अ सेकेंड टाइम कि जब हमारे पिताजी ने दूसरी बार शादी कर ली तब हम काफ़ी यंग काफ़ी यंग काफ़ी कम छोटी उम्र के भी थे हम आई ही वुल्ड ही मतलब हमारे फादर जो थे ही वुलड ओ एरोगेंटली परेड इन टू द हाउस विथ हीज़ न्यू वाइफ वे हमेशा वो क्या किया करते थे घमंड से एरोगेंटली मतलब क्या अभिमान से घर में ऐसे सीना तान की चला करते जैसे वो युद्ध जंग जीत के आए हो विथ हीज़ न्यू वाइफ अपनी नई पत्नी के साथ घर में इतना अभिमान से सिना तान के ऐसे चलते थे वॉक प्राउडली परेड मतलब वॉक प्राउडली चलते थे जैसे कि वो जंग जीत के आए हो अपनी नई पत्नी के साथ मदर वाज हेल्पलेस फ्रेंडसीज में देखो बहुत माँ निस्सहाय थी माँ कुछ नहीं कर सकती थी कुछ करती तो माँ को पापा निकाल दिए होते पिताजी भगा दिए होते घर से सो मदर वाज हेल्पलेस बट देर वॉज नथिंग देर वॉज नथिंग सी कुल डू अबाउट इट और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वहाँ को वहाँ उसमें को कुछ कर सकती थी माँ कुछ नहीं कर सकती थी बट हमारी नानी नानी तो बहुत खतरनाक थी नानी तो बहुत बोला कर नानी तो बहुत झगड़ा करती थी डायरेक्ट बट नानी फॉट विथ हर लेकिन नानी हमारे स्टेप मोम के साथ राइट हमारी जो दूसरी माँ थी उसके साथ झगड़ा करती थी मेरी माँ के साथ झगड़ा किया करती थी एंड स्कूब द टू ऑफ अस स्कूप मतलब झपट लेना खींच लेना और हम दोनों को खींच लिया करती थी इनटू हर आर्म्स अपने हाथों में बाहों में खींच लिया करती थी हम दोनों बच्चों को एंड ब्रोटस इन हर हाउस और अपने घर पे ले जाया करती थी अपने घर पर हमें खींच के ले जाया करती थी और सेइंग दैट ये बोलते हुए ले जाया करती थी मेरी माँ को क्या बोलती थी कि यू वॉन्ट टू रोट हीयर डू सो तुम्हें यहाँ सड़ना है तो सड़ो फिर बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन टू स्टे हियर टू गेट थ्रैस बाय देयर स्टेप मदर लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पोतों को मैं यहाँ रुकूँ और उनकी स्टेप मदर के द्वारा राइट उनकी दूसरी माँ के द्वारा उनको पीटा जाए क्योंकि उसको तो कोई बेटे बच्चे नहीं थे तो वो पीटेगी इनको राइट तो उनके पीटा जाए उनकी स्टेप माँ के द्वारा इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे यहाँ पे रहे और मार खाए उसकी दूसरी माँ का हाथ का मैं इनको ले जाऊँ तुम्हें आना हो तो आओ ऐसा बोल के नानी निकल जाती फिर देखो क्या हुआ अगला पैराग्राफ इफ एनी वन गोट हर वे विथ नानी नाना इट वॉज नानी अगर नाना से कोई काम निकलवा लिया होता हो गोट हर वे मतलब नाना से कोई बात मनवा लेता हो कोई नाना को कन्विंस कर लेता हो नाना से कोई ना कोई बात निकलवाता लेता तो लेता हो तो इट वॉज़ नानी तो वो नानी थी शी विल टेल वो हमेशा कहा करती थी शी विल टेल इट टू हिज फेस वो उनके चेहरे पे उनके फेस पे बोला करती थी होता है ना फ्रेंड हम बोलते कभी मैं तो उसको मैं तो उसके मुँह पर बोलूँगा मैं तो उसके मुँह पर बोलूँगा तो उसी प्रकार शी विल टेल इट टू हिज फेस वो उनके मुंह पे चेहरे पे बोल दिया करती थी कि यू विल रिग्रेट इट दे द डे आई डाई जिस दिन मैं मरूंगी ना बड़ा पछताओगे गाने मत गाने बैठ जाना भैया पे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे यू विल रिग्रेट इट द डे आई डाई जिस दिन मैं मर जाओगी ना उस दिन तुम बहुत पछताओगे बहुत पछताओगे यू डोंट स्पीक विद द मदर ऑफ़ दिस टू चिल्ड्रन इन दो बच्चों की माँ से तुम बात नहीं करते ना वो हमारे घर पे आ गई है आएगी आएगी ना भाई वहाँ पे ना तो जिया जाए ना तो रहा जाए इसे अच्छा है कि वहाँ से निकल आए निकल ही जाया जाए इसलिए माँ भी हमारे साथ नाना नानी के घर पे आ गई थी और नानी बोल रही थी नाना को यू डोंट स्पीक विद द मदर ऑफ़ दिस चिल्ड टू चिल्ड्रन इन दो बच्चों की माँ से तुम बात नहीं करते ना दे आर अल्सो नॉट गोइंग टू टॉक टू यू वे भी तुमसे बात नहीं करेंगे फिर वो भी तुमसे बात नहीं करने वाले तुम अभी बात नहीं करते ना इन दो बच्चों की माँ से वो भी तुमसे बात नहीं करने वाली यू विल सीट तुम बैठे रहोगे ऑल योअर सेल्फ इन द बालकनी देखो आगे फ्रेंड्स क्या कहा है अगली लाइन में देखो ये पिक्चर आप दिखाई दे और उस पिक्चर में है क्या कि नाना आईने में देख रहे हैं और नानी नजर आ रही है तो देखो कितना कितना गहरा प्रेम है फ्रेंड्स देखो क्या कहा है अगली लाइन हम भूल गए क्या पढ़ा था बोलते हैं यू विल सी इट ऑल बाई यूर सेल्फ इन बालकनी तुम अकेले बालकनी में खड़े रहोगे बैठे रहोगे इन बाथ इन द सन और इस सूर्य प्रकाश की किरणों में तुम नहा लेना एंड योर ओन लोनलीनेस और अपने, अपने 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 अकेलेपन में जी रहना रहते रहना राइट right, इस प्रकार नानी ने कहा फिर देखो क्या कहा अगली लाइन में नाना उल्ट से बेरली ऑडिबल नाना भी कहते थे बेरली ऑडिबल मतलब टू सॉफ्ट बहुत धीमी आवाज में क्या क्या कर, देखो कैसे बोलते थे आई एम टू ऑल्डर दैन यू कि मैं भी तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ यू जस्ट एंड वेट एंड वॉच हुई इज़ गोइंग टू गो फस्ट यूअर आई क्या कहा कि आई एम ऑल्डर दैन यू मैं तुमसे बड़ा हूँ उम्र में यू जस्ट वेट एंड वॉच तुम बस वेट एंड वॉच करो इंतज़ार करो देखते रहो हु इज़ गोइंग टू गो फस्ट कि कौन जाएगा पहले तुम या मैं कौन मरेगा पहले देखो इनकी बातें बहुत अजीब हुआ करती थी फ्रेंड्स राइट right? एक दिन पहले उनकी बातें हुई राइट right? और कहा करते नाना कहता था कि मैं तुमसे बड़ा हूँ उम्र में तुम बस इंतज़ार करो देखो कौन पहले मरता है तुम या मैं एंड सी वुल्ड सिंपली से वो भी कहा करती थी यस yes? हाँ हाँ क्यों नहीं यू विल सी तुम भी देख लेना जस्ट वॉच हाँ देख लेना फ्रेंड्स अभी कभी कभी ऐसा ही होता है कभी रात अभी तो हम बात किए कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनते हैं भाई कल रात को तो हमने शर्त लगाई थी कल रात को तो हम ऐसी बातें करें तो सुबह उठे तो व्यक्ति मर जाए तो कितना ख़तरनाक दर्द होगा दुख होगा तो ऐसा ही हुआ कि भाई रात को ही बात की नाना नानी ने कि कौन जाएगा पहले देखते हैं तुम जाओगे या मैं जाओगे ऐसी बात उन्होंने शर्त लगाई जैसे कुछ भी हो ऐसी बात हुई और अगले दिन क्या हुआ ए नानी रियली डिड लिव बिफोर हीम और सच में नानी उनके पहले ही चल बसी राइट right? नानी का मृत्यु नाना के पहले ही हो गया फ्रेंड्स पचास साल जिनके साथ बीता है जिनके साथ रहा है वो व्यक्ति अचानक चला जाए ना तो कैसे भी होता है कैसे भी फील होता है उस व्यक्ति को जिया नहीं जाता है ओके okay? तो यहाँ पे क्या हुआ अगले दिन क्या सुनने में आया कि अगले दिन क्या होने ए नानी रियली डिड लिव बिफोर हीम और नानी सच में उनके पहले रवाना होगी राइट right? क्या हुआ फिर देखो हाँ यहाँ तक फ्रेंड्स हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं दो लाइन एंड नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल नाउ अब नाना पहले से अधिक ज़्यादा इरिटेबल हो गए थे चिड़चिड़ा हो गए थे कैसे एज इफ ही हैड लॉस्ट अ वेगर जैसे कि वेगर वेगर मतलब बेट बेट मतलब शर्त जैसे उन्होंने नानी से शर्त लगाई हो रात में और वो हार चुके हो इतना चिड़चिड़ा हो गए थे राइट सो फ्रेंड्स हियर वी स्टॉप काफ़ी समय हो गया हम यहाँ पे रुकते हैं बाकी का यूनिट हम कल पढ़ेंगे यहाँ तक हमने पढ़ा है इतना याद रखना आगे यही से हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करें ओके थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम